इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर हमारे हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो सेटिस्फाई करता है कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर एंड कॉट ऑफ एक्स प्लस कॉट वाई जो है वो टू के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो हमें गिवन है कि कॉट एक्स प्लस कॉट वाई ये होना चाहिए टू के इक्वल. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस वाई अपॉन साइन वाई ये टू के इक्वल होना चाहिए. तो इसमें अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें मिलेगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स साइन वाई. तो अगर हम देखें हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स साइन वाई है. तो टू साइन एक्स साइन वाई फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का. ठीक है, अब x माइनस वाई हमें पाई बाई फोर के वन है तो यहाँ से आएगा कि साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई फोर. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते कि कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई कॉस ऑफ पाई बाई फोर की वैल्यू होती है 1/√2. इसको वापस 1/√2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 को कॉस ऑफ पाई बाई फोर. तो कॉस ऑफ पाई बाई फोर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1/√2 की वैल्यू साइन ऑफ पाई बाई फोर भी होती है. तो साइन ऑफ पाई बाई फोर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2. तो ये हमारे पास आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू 1/2 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई थ्री. तो यहाँ से अगर जनरल सोल्यूशन देखें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस ऑफ पाई बाई थ्री वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. दैट इज एक्स प्लस वाई हो जाएगा 2n π प्लस माइनस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई फोर वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ये आया हमारे पास. अब हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें फॉर एन इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स प्लस वाई हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई फोर. और हमें पता का माइनस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई फोर ले तो एक्स प्लस वाई नेगेटिव हो जाएगा. तो पॉजिटिव के लिए हमें पॉजिटिव साइन लेना होगा. तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई फोर दैट इज 7π/12. तो हमारे पास आया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7π/12 एंड एक्स माइनस वाई इज पाई बाई फोर. ठीक है, तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 2x ये हमारे पास होगा 10π/12 के इक्वल. दैट इज x की वैल्यू हो जाएगी 5π/12. x 5π/12 आया तो 5π/12 प्लस वाई इज इक्वल टू 7π/12. तो यहाँ से आएगा वाई इज इक्वल टू 2π/12 दैट इज π/6. तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई. तो इससे हमारा आंसर आएगा कि x इज इक्वल टू 5π/12 एंड y इज इक्वल टू π/6. ये है हमारे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज आर आंसर. तो इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा का एप्लीकेशन देखा है. नेक्स्ट वीडियो में हम और एप्लीकेशंस देखेंगे.